तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 17 हमने पहले भी की थी, तो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, ये पार्ट्स हमने कर लिए थे ए डॉट बी, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो ये 4 आएगा, यहाँ से -6 आएगा, यहाँ से -8, आंसर -10 है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। शीट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर थ्री, मुझे क्या प्रूव करना है? दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। ये प्रॉपर्टी की हमने, तो आप एक काम करें, इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखें, अगर तो आंसर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ 2, जे को जे के साथ -1, इसका k का कोफिशियंट है ही नहीं तो 0, तो 0 × 3 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एंगल निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर में आपको एंगल निकालना है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, हमने एंगल निकालने का तरीका क्या किया था? कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या है? √1² 2² - 1² और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -1² 1² और -2² तो न्यूमिनेटर में आई को आई के साथ -1, जे को जे के साथ 2 और के को के के साथ 2, तो ये क्या है? √6, ये क्या है? √6, तो इसको ऐड करेंगे 3 और 6 हाफ, कॉस थीटा अगर हाफ है तो थीटा क्या है? 60 डिग्री। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन हमने कर लिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने तरीका बताया अभी, आप इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं करना, आपने इसमें क्या करना है? इसको ओपन करना है, सिखाया था अभी। ओपन करके क्या करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, चार टर्म्स आएंगी, ए इंटू कॉस 0, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, बी इंटू कॉस 0, तो ये टर्म कैंसल, आंसर a² - b²। क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन के बाद,
क्वेश्चन नंबर 11th, 12th, 13th, 13th एंगल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 13th में एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला सबको पता है, कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे √27, √35, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5। ठीक है यहां तक? तो अब अजीब सा एंगल आ रहा है, 29 आएगा। हाँ 29 आएगा, हाँ 29 आएगा, यहां भी 29 आएगा, राइट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर आपको ये अजीब सी वैल्यू गिवन है, तो आप ऐसे लिख देंगे और कोई तरीका ही नहीं आपके पास, आप सॉल्व तो कर ही नहीं पाएंगे इसे। तो कॉस इनवर्स आंसर है। वैसे नॉर्मली आपको एंगल अच्छे ही आते हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये एक आध क्वेश्चन कहीं से डल गया वाला बात अलग है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। पर अगर आ भी जाएंगे आपका कोई ऑप्शन नहीं, आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, सॉल्व तो कर नहीं सकते इसे आप। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया, पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजिशन टू पोजिशन, निकाल लो, वर्क डन निकालना है इसका 14th का। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन किया अभी हमने, 14th डाउट है, क्वेश्चन नंबर 14th। देखो कितना वर्क डन आया इसमें, मैंने शॉर्टकट करवाया था कि अगर पोजीशन यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या सिखाया था, ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर माइनस, तो सीधा माइनस कर दो, ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एस वेक्टर निकाल लो। तो इसके अंदर 14th क्वेश्चन के अंदर मैंने तो पूरा किया, पर आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप पोजीशन A टू B जा रहे हो, तो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो S वेक्टर सीधा लिखो, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल, तो काफी कुछ बच जाएगा, स्टेप बच जाएंगे। तो माइनस करके S वेक्टर आ गया, फिर वर्क डन क्या है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, I J K मल्टीप्लाई आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th
ये दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। निकालो डॉट प्रोडक्ट। माइनस टू आ रहा है। तो 15th क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है दो वेक्टर्स पर पेंडिकुलर है, तो दोनों वेक्टर्स को लिखो और डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू क्या? जीरो। तो आई को आई के साथ 8, एम को 3 के साथ 3m, माइनस टू को 1 के साथ माइनस टू, इक्वल टू जीरो। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? m आ जाएगा आंसर। गुड आउट, ठीक है यहां तक। 15th के बाद 16th एंगल निकालना है। ठीक है, तो 16th में एंगल निकालना है आपको। तो एंगल में क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सेम चीज है, तो हाफ आया था, आंसर सेम है, बिल्कुल सही है। 17th कर लिया था, 18th हमने कर लिया था, 19th हो गया था, 20th कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन करें प्लीज। फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग, दो क्वेश्चंस हैं आपको, कंपोनेंट निकालना है इस वेक्टर का ओवर अलोंग किसके ऊपर? आई कैप प्लस जे कैप एक क्वेश्चन, फिर आई कैप माइनस जे कैप दूसरा क्वेश्चन। तो पहले आई कैप प्लस जे कैप करो। तो ये लो ए वेक्टर, ये लो बी वेक्टर, इसे बी वेक्टर लो, आंसर करो। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन में कंपोनेंट निकालना है। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, बी वेक्टर को आई कैप प्लस जे कैप ले लो, ठीक है। तो थीटा हमने क्या किया था, ए कॉस थीटा और अलोंग बी कैप, अलोंग बी कैप,
ठीक है, तो ए कॉस थीटा लॉन्ग बी कैप, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है और बी पता है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 5/√2 ए कॉस थीटा। बी कैप कैसे निकलेगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ गया ए कॉस थीटा, ये क्या आ गया बी कैप, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, सही नहीं है किसका? इसका, इसमें बी वेक्टर की जगह आई कैप माइनस जे कैप ले लेना, तो आई कैप माइनस जे कैप लोगे तो डॉट प्रोडक्ट अलग आएगा, और ऐसे ही बी कैप इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा क्या करना है? ठीक, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ओके, डायरेक्शन कोसाइंस, बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। डायरेक्शन कोसाइंस, देखो डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये टॉपिक एज सच पेपर में ऐसा नहीं आएगा कि एनसीईआरटी स्कूल में गए डायरेक्शन कोसाइंस के, नहीं आएगा, आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा और क्वेश्चन देखने में ऐसा ही आएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो, पर इसके लिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि इसकी थ्योरी क्या है, तो मैंने पहले थ्योरी लिखी हुई है, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। पर डायरेक्शन कोसाइंस है क्या पहले समझते हैं, एक्स वाई और जेड, राइट, ये रहा आपके पास ए वेक्टर, ए वेक्टर का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो अल्फा, ए वेक्टर का एंगल वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, राइट, क्लियर है यहां तक, अल्फा बीटा और गामा। तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग ए एक्स है, ए वेक्टर का कंपोनेंट वाई के अलोंग ए वाई है, अब जेड के अलोंग कंपोनेंट हो सकता है, जैसे 3D है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर ये मान लो 3D वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा, ए वेक्टर का एक कंपोनेंट वाई के अलोंग होगा और ए वेक्टर का एक कंपोनेंट जेड के अलोंग होगा, राइट, क्लियर है यहां तक। तो इस केस में 3D बना नहीं पा रहा, तो मैंने वैसे बता दिया ये अल्फा ये बीटा और जेड के साथ एंगल गामा, ठीक, तो जो भी एंगल्स अल्फा बीटा गामा का अगर मैं कोसाइन लूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा वेक्टर की क्या बता रहे हैं, डायरेक्शंस, और हमने आगे क्या लगा दिया उसके आगे, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। इसको कई बुक्स एम लिखती हैं, कोई एन कोई एल भी लिखता है, पर चलो ये सफिशियंट है। अब ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स के अलोंग कितना है, ए एक्स, और वाई के अलोंग कितना है, ए वाई, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और जेड के अलोंग बाई सिमिट्री क्या लिख दिया, ए जेड के कैप, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू इस ट्राइंगल में, कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई डिवाइडेड बाई ए, तो कॉस अल्फा ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा ए वाई बाई ए, कॉस गामा दिखा नहीं सकता पर ए जेड बाई ए, क्लियर है यहां तक। इसको अगर हम स्क्वेयरिंग एडिंग कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इन तीनों का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ऊपर हमने इसका सम ए स्क्वायर निकाला हुआ है, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो पहला क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का सम 1। कई ऑब्जेक्टिव में लिखा होता है एम स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर का सम 1, ये भी क्लियर है। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा होता है इसकी जगह 1 - sin² α, sin² β, 1 - sin² γ, ठीक है, तो इनका सम क्या है, 1, तो कई बार वो क्या करता है यहां पर ना sin² α sin² β sin² γ का सम पूछ लेता है, तो ये रिजल्ट याद है तो ये तो निकाल ही लोगे आप आगे। और मेन क्वेश्चन जो पूछेगा, ये थ्योरी तो नोट करने की जरूरत भी नहीं है, मेन क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसको देखते हुए डायरेक्शन को साइंस बताओ क्या है,
डायरेक्शन कोसाइंस का ये फॉर्मूला है ए एक्स बाई ए ए वाई बाई ए जेड बाई ए। तो आपने इस वेक्टर को लिखना है, इसके नीचे ए वेक्टर को कंपेयर करना है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, राइट। तो इसके अंदर कॉस एल्फा की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स बाई ए, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, और ऐसी कॉस बीटा की वैल्यू ए वाई बाई ए, ए वाई की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है रूट 45 और कॉस गामा ए जेड बाई ए, ए जेड की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है रूट 45। तो डायरेक्शन कोसाइंस का ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है? देखो ये समझ में आ गया, इसके नीचे ये लिख लिया तो आपको ए एक्स पता लग गया, ए वाई और ए जेड लग गया। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, पुट कर देना ए ए एक्स ए ए वाई ए ए जेड ए आंसर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, होमवर्क नोट करो, होमवर्क में शीट नंबर 17 तो हो गई, शीट नंबर 18 शीट में ये पूरी की पूरी शीट डॉट या स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर है, तो सारी होमवर्क है आपकी 1 से लेके इतना 16 तक 1 to 16, नेक्स्ट 19 हुई है, ठीक है 19 क्रॉस प्रोडक्ट है 21, फिर ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 8, ऑब्जेक्टिव शीट 8 में मार्किंग करो, 8 सारी नहीं होगी आपसे तो मार्क करो, जाते आप रजिस्टर में लिख लो सर क्वेश्चन कौन से करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव शीट 8 में क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11, 14, 17, 17, बस